Hello friends, welcome you to tutorial 2 for ecosystem. ठीक है, आज हम कुछ questions लेके आए हैं ecosystems की, जो हमने last जो previous lectures में record किए थे उसी के base पे. So सबसे पहला question, agrobacterium is sorry agro ecosystem, यानी agricultural ecosystem जो है वो unstable because of lack of variety, lack of producers बोल रहा है, both variety and producers बोल रहा है, being dependent on sunlight. तो हम जानते हैं कि agricultural system में सिर्फ particular एक field में एक ही तरह की crop की cultivation होती है, ठीक है? So that will be lack of, right? So lack of variety of plants, ठीक है? Now a food web increases first option variety and decreases quantity of food at each trophic level, delicately balances the interrelations amongst producers, decreases variety of food but increases quantity of food at each trophic level. Or fourth option hamara kya hai, increases variety as well as quantity of food at each trophic level, hai na? To hum hamare liye फूड वेब क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो फूड वेब हमेशा नेचर में एग्जिस्ट होती है बिकॉज इट इंक्रीजेस वैरायटी एज वेल एज क्वांटिटी, ठीक है ना, ऑफ फूड एट ईच ट्रॉफिक लेवल. थर्ड क्वेश्चन, प्राइमरी कंज्यूमर्स इन डेट्राइटस फूड चेन्स आर, तो ये पूछ रहा है डेट्राइटस मतलब क्या होती है, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स. तो डेट्राइटिवोर्स में क्या क्या आएगा, डेट्राइटस फूड में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होती है दे आर द डेट्राइटिवोर्स. तो डेट्राइटिवोर्स में जनरली इंसेक्ट्स तो नहीं आ सकते, इंसेक्ट की लार्वी बोल रहा है, ठीक है. तो फिर इसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई दे आर द डिकम्पोजर्स, है ना. सो नेक्स्ट प्यूट्रीफाइंग, प्यूट्रीफाइंग मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एक्चुअली. सो ऑर्गेनिजम्स आर, तो डिकम्पोजिशन जब भी कोई ऑर्गेनिज्म करता है दे आर बेसिकली द रिड्यूसर, रिड्यूसर ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्यूट्रीफाइंग या फिर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स. अ पिकॉक इट्स स्नेक विच ईट्स फ्रॉग, दिस ईट हॉपर्स विच इन टर्न थ्राइव ऑन लीव्स ऑफ प्लांट. तो फिर इसमें पिकॉक क्या होगा, मतलब यह बोल रहा है पिकॉक इट्स स्नेक्स विच इट्स फ्रॉग, और फ्रॉग में फ्रॉग की बात भी, दिस इट्स हॉपर इन टर्न, यानी ग्रास हॉपर आया, राइट. सो ये रहा ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को कौन ईट कर रहा है यहाँ पे, फ्रॉग्स हो गया, फ्रॉग्स को कौन कर रहा है, स्नेक्स कर रहा है, एंड देन पीकॉक, है ना. तो पीकॉक आपका आ जाएगा बिल्कुल एपेक्स टिप्स पे आ जाएगी, क्योंकि ये तो टर्शियरी कार्निवोर्स में आ गया. अब फूड चेन इज और चेन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ईट्स द सेम टाइप ऑफ फूड बोल रहा है, एनिमल्स ईटिंग द प्लांट्स बोल रहा है, सीरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर इंटर रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन एज फूड. तो फूड चेन क्या होती है, सीरीज ऑफ प्लांट, एक लीनियर सीक्वेंस है प्लांट्स या एनिमल्स की, है ना, विच आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन, दूसरा उसको खाएगा एज अ सोर्स ऑफ फूड. सो दिस विल बी द थर्ड ऑप्शन. विच ऑफ द फूड चेन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सोलर रेडिएशंस, तो सोलर रेडिएशन के ऊपर पैरासाइटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि पैरासाइटिक तो फिर होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, डेट्राइटस के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, यानी ग्रेजिंग एनिमल्स में किसकी जरूरत है, ग्रासेस, और ग्रासेस को अपना खाना कैसे बनाया जाएगा, बाय विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन आर कॉल्ड, तो कन्वर्टर्स बोल रहा है ट्रांसड्यूसर्स, मैंने अपने लेक्चर में पहले ही बताया था कि प्रोड्यूसर्स का एक दूसरा नाम है ट्रांसड्यूसर्स, विच ट्रांसड्यूस या विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी.
सो माई आंसर विल बी प्रोड्यूसर्स, राइट. अच्छा अब फिर यहाँ पे एक इन पैरासाइटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर बोल रहा है ना. सो पैरासाइटिक फूड चेन में द पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो सकता है, इट गेट्स इन्वर्टेड. ठीक है, असेंडिंग ट्रॉफिक. अच्छा एक और चीज, पैरासाइटिक में तो हम ये भी कह सकते हैं, नो पैरासाइटिक में एग्जैक्टली हम इन्वर्टेड नहीं लगा सकते. उसमें अगर एक ट्री दिया गया पर्टिकुलर, तो पैरासाइटिक भी इट विल बी ऑलवेज बी अपराइट ओनली, राइट. सो असेंडिंग ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन पिरामिड, राइट, दैट रिप्रेजेंट्स ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम एपेक्स to base, gradual decrease in biomass from base to apex, gradual increase of the biomass from producers to the tertiary consumers, and no change in biomass. तो trophic level में grazing pyramids में grazing chain में क्या हो सकता है, there will be gradual decrease of biomass from base to the apex. ठीक है. अच्छा phytoplanktons are dominant in किस phase में, जो सरफेस एरिया होता है जहां पे वो स्विम कर सकता है, जहां पे वो वाटर करंट पहला वाटर करंट की वजह से मूवमेंट कर सकता है. सो दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द लिम्नेटिक जोन. व्हिच वन आर रिजर्वर्स ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन साइकिल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो इसमें हमें नाइट्रोजन साइकिल की भी रिजर्वर और फॉस्फोरस साइकिल की भी हमें रिजर्वर देखना चाहिए. तो देखो बेसिकली इट्स अ बैड रॉक एंड एटमोस्फियर. फॉस्फोरस तो हमें रॉक से सेडिमेंटरी रॉक से मिल सकता है, और जो नाइट्रोजन है वो एटमोस्फियर से ही रिसाइकल होती है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको हेल्प करके प्लांट को फिक्स करवाएगा, दोबारा प्लांट से वो एटमोस्फियर पे रीजनरेट होती है, यानी बैड रॉक्स एंड एटमोस्फियर. एन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स कार्बन मॉलिक्यूल which have passed through three levels of ecosystem. ठीक है, तो an organism जो है carbon molecules passed हो गया three level. So now organism किस level पे है, three level यानी primary, secondary और ये tertiary level पे आ गया, क्योंकि producer से तो मिलेगा ही वो, और फिर उसके बाद primary जो herbivores मतलब primary consumer, secondary and tertiary consumers में आएगा. Identify the following food chain dead animals blow fly maggots. कुछ animals के ऊपर maggots आ जाती है, फिर maggots को common frog ले रहा है, और common frog से फिर snakes में जा रहा है. तो maggots है, इसमें कोई plant है ही नहीं और वो dead है, तो that means it's a detritus food chain. ठीक है, ecological efficiency is, this is one of the important question, हमने पढ़ा भी है इसको. इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है यहाँ पे, एनर्जी, देखो एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल अपॉन एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, और हमेशा हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं, यानी मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे. ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन, राइट. सो नेक्स्ट जो हमारे लिए आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस की बात कर रहा है यहाँ पे. सो इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ. नाउ ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवर्म इज अ प्रोसेस कॉल्ड. तो अर्थवर्म अगर इसको किसी भी डेड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर, तो फंजाई या बैक्टीरिया किस ग्रुप में आ सकता है, इट विल बी दैट इज, देखो टू क्या बोल रहा है इसमें, टू एंड थ्री मतलब हमारा हेटरोट्रोप्स हो सकता है, सेप्रोफाइट्स आर आल्सो, एक्चुअली दे आर सेप्रोट्रोप्स, लेकिन सेप्रोट्रोप्स को हम हेटरोट्रोप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हेटरोट्रॉप और सेप्रोट्रॉप आएगा, यानी मेरा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट. द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ द
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब भी मिनरलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या देखा था, इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम ह्यूमस, इट फॉर्म्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस, राइट. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर. तो यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है, स्पाइरोगाइरा वॉल्वॉक्स दे आर द प्लांट पार्ट्स, मतलब ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, और यहाँ हमारा आ रहा है एगारिकस. तो एगारिकस इज अ फंजाई, मशरूम होता है, तो फिर दे आर द डिकम्पोजर्स में आ जाएगा, यानी सेप्रोट्रोप्स में आ जाएगा. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अप्रोक्सीमेटली कितना सोलर एनर्जी दैट फॉल्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस. वी हैव ऑलरेडी डन कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो होता है वो 2 to 10% होता है. यहाँ पे ना PAR नहीं बोल रहा, मतलब 10% लॉ की बात नहीं कर रहा है, राइट. यहाँ पे बात जो कर रहे हैं एफिशिएंसी की, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं. सो इट विल बी 2 to 10. Among the following, where do you think the process of decomposition would be fast? तो ये जो process of decomposition tropical rainforest में होगी, Antarctica में होगा, या फिर ड्राई एरिड रीजन या एल्पाइन. देखो एंटार्क्टिक या एल्पाइन ये मतलब लो टेम्परेचर रीजन है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है. ऑलरेडी हम फ्रिज में सामान रखते हैं तो सड़ता कम है ना उसमें, फंजाई वगैरह वहां पे बहुत जल्दी नहीं हो सकता, राइट. और दूसरा क्या बोल रहा है, इसमें ड्राई एरिड रीजन, ड्राई जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होगी, फंजाई कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मॉइस्चर लेवल अच्छा होगा, और जितनी मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगी माइक्रोब्स की ग्रोथ उतना ही अच्छा होगा, एंड दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट, इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय द हर्बीवोर्स. ये तो हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन है 10% लॉ के अकॉर्डिंग. तो जो भी प्रोड्यूसर लेवल ने बनाया है वहां से सिर्फ 10% कैन फ्लो टू द अदर लेवल, दैट इज द हर्बीवोर लेवल पे. ठीक है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज आर. अच्छा, जब सक्सेशन हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म को हटा के कोई दूसरा सक्सीड कर रहा है या डोमिनेट कर रहा है, राइट. तो उस केस में द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज, तो ये ऑर्डरली भी होती है. ऑर्डर मतलब पर्टिकुलर एक ऑर्डर में, जैसे पायोनियर आएगा, पायोनियर के बाद हमें पायोनियर में लाइकेंस वगैरह आ जाती है, मॉसेस आ जाती है, फिर थोड़े थोड़े उसमें हर्ब्स आते हैं, देन श्रब्स आती है, और देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ट्रीज आ जाता है. तो इट्स एन ऑर्डर, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस, राइट. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इलावर्ट करती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड. तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि कौन सी इकोसिस्टम इन एन एरिया वेयर इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, राइट, एंड मीन एनुअल रेनफॉल इज बिलो 100 mm. तो इनमें से कौन सी इकोसिस्टम में जो रेनफॉल जो होगी थोड़ा सा इसमें लेस होगा. सो ऑब्वियसली 100 mm से अगर रेनफॉल कम है, दैट इज इन डेजर्ट. डेजर्ट में तो रेनफॉल बहुत कम ही हो जाता है, राइट. द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशियन वेयर विच इज ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वॉटर इज कॉल्ड. मतलब इसमें पार्शियली आपको टेरेस्ट्रियल पार्ट मिलेगा एंड पार्शियली इट विल बी द वाटर बॉडी, सो इट विल बी द लिटोरल जोन. लिटोरल जोन में ऐसा होता है, राइट. तो मैंने इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर दिया. एडेफिक फैक्टर्स. नाउ व्हाट इज एडेफिक फैक्टर्स? एडेफिक या ट्रोपोलॉजी का मतलब होती है सॉयल रिलेटेड फैक्टर्स. सॉयल pH है ना, सॉयल मॉइस्चर, तो इट रेफर्स टू द सॉयल कंडीशंस. द यूनिट to express primary production, this is again very very important question. तो एक primary production में क्या हो सकता है, किलो, इसमें बोल रहा है
ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, तो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो द प्रोडक्शन जो भी देखो, जितनी भी मतलब प्रोडक्शन लेवल होगी यहाँ पे ना, हम एक तो कर सकते हैं कि एक एरिया वाइज हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम सिर्फ खाली प्रोडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं। सो इट विल बी ग्राम पर मीटर, सॉरी ग्राम स्क्वायर। द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटरोट्रॉप्स। अच्छा, बायोमास जो हेटरोट्रॉप्स को मिल सकता है कितनी मतलब अवेलेबल होगी, दैट इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहेगा, है ना। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन करके जितना बचेगा वो सारा हार्वीवोर कंज्यूम कर सकता है। सो माय आंसर विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओशियंस ऑक्युपाई अ परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हैव द प्रोडक्टिविटी ऑफ बी परसेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फियर। ठीक है, चूज द ऑप्शन व्हिच फिट्स ए एंड बी। मतलब इतना परसेंट वो ऑक्युपाई कर रहा है और कितना परसेंट फिर इसकी प्रोडक्टिविटी आएगी। देखो, 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, है ना, और प्रोडक्टिविटी फिर उसके आप लगाओगे कैसे, 10% लगाओगे। सो द आंसर विल बी 70 होगा, मतलब 2/3 पार्ट, और प्रोडक्टिविटी विल बी 30%, राइट। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड द डेट्राइटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। Why? Because this bacteria and fungi, they uses enzyme for breakdown of the carbohydrate या organic components से inorganic, और फिर वो recycle हो जाती है atmosphere पे। Read the following statement about humus and choose the best option. अच्छा, अब हमें ना यहाँ पे humus के लिए choose करना है, best option कौन सा हो सकता है। So humus is colloidal in nature, it's true, easily and quickly decomposed by microbial action, reservoir of nutrients, it's true, but bahut aasani se ye convert nahi hota hai microbial action se, isme bhi stages hoti hai, and it's dark in color. So second option jo hai, it's false. So only two, second option is false aa jayega, right. All favor the process of decomposition except कौन सा, sugar rich detritus, absence of oxygen, warm temperature, no exception as all given factors favor it. नहीं, all favor the process of decomposition, or absence of oxygen जो होती है it's unfavorable, right. So sun is the only source of energy for the given ecosystem. So, except किस जगह पे सनलाइट की जरूरत नहीं है, डीप सी। डीप सी में क्या होता है, एफोटिक जोन आ जाता है, तो एफोटिक जोन आने से क्या होगा, वहां पे सनलाइट की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। सो वहां पे वी कैन नॉट कंसिडर सनलाइट एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम the large fraction of energy flows through the detritus food chain. Terrestrial में सबसे ज्यादा, मैंने जब लेक्चर में ही बताया था कि detritus is the energy saving. The reason, इसमें कोई sunlight की जरूरत नहीं पड़ता। Choose how many of the given list are omnivorous: rabbit, sparrow, hydra, crow, man, fox, cockroach, और इसमें आपका आ रहा है bobcat. ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 4. रैबिट तो देखो हर्बीवोरस है, स्पैरो इंसेक्ट भी खा सकता है और प्लांट पार्ट भी खा सकता है, राइट। क्रो हो गया, मैन हो गया, एंड इसमें ओमनिवोरस में आप खा सकता है कॉकरोच। फॉक्स तो सिर्फ कार्निवोरस हो सकता है। सो देयर आर 4. चूज द ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द असेंडिंग ऑर्डर for their energy level. Now ascending order बोल रहा है। So हम क्या कर सकते हैं, ईगल, स्पैरो, कैटरपिलर, पी प्लांट, ये तो असेंडिंग हो गया ना, राइट। मतलब बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं,
सो इट्स इट द थर्ड ऑप्शन. ठीक है, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें देखो एक चीज, अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स, राइट? सो व्हाट डज अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स हियर? वन स्पीशीज, तो वन स्पीशीज तो नहीं होता, राइट? उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, या ऑफ कोर्स इट्स करेक्ट. और फिर मेरा इकोलॉजिकल पिरामिड्स होल्ड ट्रू ओनली फॉर सिंपल फूड चेन. ये जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें, इकोलॉजिकल फूड चेन जो होती है ये सिर्फ सिंपल फूड चेन के लिए होती है. एंड सैप्रोफाइट्स आर इंक्लूडेड इन लोअर बार इन द एनर्जी पिरामिड. सैप्रोफाइट्स पिरामिड्स में हम डिकम्पोजर्स को नहीं, दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज, राइट? सो द आंसर विल बी 2 and 3. सो नेक्स्ट जो आ रहा है, ऑल आर ट्रू फॉर क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स कौन सा है जो हम एक सक्सेशन में पढ़ते हैं, जो कैनोपी लेवल यानी ट्रीज आ जाती है, दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. एक्सेप्ट रैपिडली कीपिंग ऑन चेंजिंग टू रीच इक्विलिब्रियम फाइनल कम्युनिटी एंड ऑफ सक्सेशन स्टेबल. हाँ, इसके बाद सक्सेशन हो नहीं सकता, यही स्टेबल है, यही फाइनल कम्युनिटी है, बट वो चेंज नहीं हो सकता. वंस द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रिच्ड, देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ सक्सेशन. चूज द एरिया विच विल टेक मिनिमम टाइम फॉर सक्सेशन. एक न्यू कूल्ड लावा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, एबंडेंट फार्मलैंड एंड बेयर रॉक. ठीक है, तो सबसे कम किस में लगेगा? एबंडेंट फार्मलैंड. क्यों? उसके पास ऑलरेडी पहले से न्यूट्रिएंट डिपॉजिटेड है. बेयर रॉक में कोई न्यूट्रिएंट नहीं. इट विल टेक टाइम. कूल्ड लार्वा क्रिएटेड, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, इसमें पहले वाटर आएगा, फिर फाइटोप्लैंक्टन, तो टाइम लगेगी. बिकॉज इन द एबंडेंट फार्मलैंड ऑलरेडी देयर आर, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन. और सेकेंडरी सक्सेशन में हमें पता ही है ना, टाइम कम लगेगी. Lichen is the pioneer of succession. ये तो हमने पढ़ा था, lichen pioneer of succession है. किस में? लिथोसियर में हो सकता, लिथोसियर में होगा, है ना? बेयर रॉक बोलो, सॉयल बोलो, उस केस में आपका lichens will come. Choose the correct combination of leveling of zones in water in a lake. So देखो, सबसे पहले जो A होती है, this is the littoral zone, surface area, है ना कुछ. और बी क्या होता है? ये हमारा बिल्कुल स्विमिंग एरिया होता है, यानी दिस इज द लिम्नेटिक जोन. सी क्या आता है? प्रोफाउंडल, डार्कनेस आ जाएगी, डिस्फोटिक जोन. एंड डी इज द बेंथिक जोन, जहां पे बिल्कुल ही लाइट नहीं मिलता, ओनली द बेंथोस रिमेन्स देयर. सो माय करेक्ट आंसर विल बी 3. विच वर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम. सो पॉन्ड इकोसिस्टम में हम फिश को एक लेवल से ज्यादा, फिश कैन डायरेक्टली ईट फाइटोप्लैंक्टन्स आल्सो, एंड फिश कैन ईट बोथ फाइटोप्लैंक्टन्स एज वेल एज ज़ूप्लैंक्टन्स. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोलॉजिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम. तो यहाँ पे कौन सा गैसियस नहीं है? फॉस्फोरस, कार्बन. तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तो गैशियस में भी, गैशियस साथ में होता है. सल्फर इज बोथ गैशियस एज वेल एज सेडिमेंटरी, है ना? बट फॉस्फोरस इज द ओनली सेडिमेंटरी जो हमें रॉक्स से मिलती है. द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्युपाइड बाई प्लांट्स. हाइड्रोसियर मतलब ये वाटर में सक्सेशन हो रहा है, दैट मीन्स वेलिसनेरिया, क्योंकि एजोला तो फर्न है, सो वेलिसनेरिया विल ऑक्युपाई इट. आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म ए बी एंड सी एंड डी इन द फूड वेब. ठीक है, तो ए बी सी डी हमें मिल सकता है. तो देखो ए में क्या बोल रहा है, वेजिटेशन सीड, सो इट कैन बी ईटन बाय अ डियर आल्सो. और फिर बी क्या बोल रहा है, वेजिटेशन कैन बी डायरेक्टली ईटन बाय अ रैबिट आल्सो, राइट? और फिर सी क्या बोल रहा है, ग्रासहॉपर्स कैन बी ईटन बाय फ्रॉग. एंड डी क्या बोल रहा है, वेजिटेशन सीड्स कैन आल्सो बी ईटन बाय रैट. तो बाकी और सब में से टॉर्टोइस तो देखो नहीं खा सकता,
my third option goes accurately with the flowchart. The rate of formation of new organic matter by rabbit in a grassland is called. चलो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा है इसमें, रैबिट बोल रहा है ना, तो हम प्लांट तो चला गया तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेवल तो खत्म हो गया ना, नेट होगी ना ग्रॉस होगी, राइट? तो ये किस लेवल पे चला गया? रैबिट इज एन हार्वीबोर, तो इट हैज गॉन टू सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी मतलब कंज्यूमर लेवल पे चला गया. फूड वेब refers to transfer of energy from one trophic level to another, unidirectional energy flow, capturing solar energy by autotroph and connecting feeding pattern in a biotic. So connects food web mein to har ek dusre organism connected hoti hai, ek organism ke upar kai sare organisms dependent hoti hai. The study of interaction between group of various organism and their environment. तो एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, यानी हम कम्युनिटी लेवल पे अगर पढ़ते हैं इकोलॉजी को, दिस इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी, राइट? ओके, सो आई कैन, हाँ इसको हम ओके राइट हम कर ही लेते हैं ना, थोड़ा सा इसमें शायद मुझे क्रॉपिंग करने में प्रॉब्लम आया होगा. द अपराइट the pyramid of biomass in sea is. अच्छा अब ये pyramid of biomass किसके लिए बोल रहा है? Sea के लिए, यानी water के लिए बोल रहा है. तो biomass in case of aquatic ecosystem is always inverted. Natural reservoir of phosphorus is rocks, है ना, sedimentary rocks से आता है. Which of the following processes during decomposition is correctly described? तो इसमें कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप बोल रहा है, नहीं. लीचिंग वाटर सॉल्युबल, नहीं. फ्रेगमेंटेशन इज कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज आर्थवर्म, है ना, डेट्राइटिवोर्स कर देता है फ्रेगमेंटेशन को. गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विथ फोर ब्लैंक्स, 1 to 4. आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स. कंज्यूमर के बाद हमारा क्या आ सकता है इसमें? डेट्राइटस जा सकता है, राइट? और फिर सॉयल सॉल्यूशन बोल रहा है, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन रॉक्स एंड मिनरल्स हो सकता है, ठीक है ना. एंड फिर थर्ड, अगर रॉक्स एंड मिनरल्स ये हो गया तो थर्ड कंज्यूमर से उधर जब आएगा इट कैन बी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वही आप टेक करेगा, राइट? एंड फोर्थ फिर मेरा क्या हो सकता है? लीटर. तो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन, राइट? अच्छा इसके बाद इन इकोसिस्टम Which one shows one-way passage? अच्छा आप देखो ये आपके लिए बहुत, ये जो मैं क्वेश्चंस लाई हूँ ना ये बिल्कुल मतलब प्रीवियस ईयर की नीट की. सो इन इकोसिस्टम विच वन शोज वन वे पैसेज, ठीक है, वन वे पैसेज के कौन दिखाएगा? फ्री एनर्जी. पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रास लैंड इज ट्रू इन ट्रू इकोसिस्टम इज. पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा it will always be upright, ठीक है. Study of interrelationship between organisms and their environment is called ecology. ये मैंने mixed question लाई हूँ, मतलब पहला और सब कुछ मिला के, because this question मतलब ये जो है ना ये बिल्कुल ही purely मतलब previous year के ऊपर है. Second most important trophic level in a lake is. So my answer will be zooplanktons. Second बोल रहा है ना, second phytoplanktons is the first और zooplanktons आएगा second level, right? Bulk CO2 fixation occurs in, तो CO2 fixation कहाँ पे होती है? Ocean. 2/3 part of the earth is covered by water and since the microorganisms जो भी वहाँ पे algae वगैरह है they do photosynthesis, तो सबसे ज्यादा carbon dioxide वहीं पे trapping होगी. The dominant second trophic level in an ecosystem is, this is the zooplankton, second trophic level pe chala gaya. Desert plants are generally, kya hoga isme? Succulents, hai na? Water storing capacity hoti hai, fleshy leaves hoti hai. And then, which of the following does not have stomata? So stomata inme se kisme nahi hoga? That is the submerged hydrophytes, aquatic plants. क्यों? क्योंकि वो पानी में डुबो रहता है, तो उसमें stomata से क्या होगा? चारों तरफ अगर dryness है ही नहीं तो transpiration will never take place there. ठीक है,
Which of the following is most stable ecosystem? तो it's ocean. Ocean is the most stable, क्योंकि मैंने अभी कहा था टू थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर और सबसे ज्यादा उसमें लाइट की ट्रैपिंग होती है बिकॉज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है. फ्लेमिंगोज ब्रीड इन, ठीक है, दैट इज चिल्का लेक इज वेरी फेमस फॉर ब्रीडिंग ऑफ फ्लेमिंगोज. दीज क्वेश्चंस कुछ करंट अफेयर्स टाइप का भी होता है इकोलॉजी में, सो दिस इज वन ऑफ दम. इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा होगी. आपने देखा ही है जब भी आप पिरामिड्स बनाते हो प्रोड्यूसर्स की हमेशा बेस में ही आता है. द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय लिंडमैन. इफ द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूस टू हाफ व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन ऑन अ लॉन्ग बेसिस. अगर फॉरेस्ट कवर कम कर दिया है, ठीक है, तो फिर ये लॉन्ग रन में क्या हो सकता है? ऑब्वियसली डेजर्ट बन जाएगी, फॉरेस्ट ही नहीं है तो क्या होगा? डेजर्ट बन जाएगा, इरोशन होगी, सॉयल इरोशन होगी. रूट सॉयल को पकड़ के रखता है, जब प्लांट ही नहीं है देयर विल बी लॉट ऑफ इरोशन. सॉयल इरोशन होगी तो फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी. हाउ कैन अदर प्लांट्स ग्रो? ड्यूरिंग एडवर्स सीजन थ्रियोफाइट्स सर्वाइव बाय, तो कैसे सर्वाइव करेंगे वो? विद द हेल्प ऑफ सीड्स, राइट. Then, which of the following acts as natural scavengers? तो इनमें से natural scavengers के form में कौन रह सकता है? That is the microorganisms. ठीक है? So next, in terrestrial ecosystem such as forest, the maximum energy जो है in is in which trophic level? तो देखो हमारे पास ये ट्रॉफिक लेवल कौन सा आएगा इसमें? T1 प्रोड्यूसर्स जहाँ पे है सबसे ज्यादा एनर्जी होगी. हर लेवल पे फिर 10% होते जाएगा. प्लांट सच एज प्रोसोपसिस एकाशिया एंड कैपरिस रिप्रेजेंट एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल. सो व्हाट आर दोज बेसिकली? सो द आंसर विल बी थॉर्न फॉरेस्ट. थॉर्न्स होती है सब में. देखो एकाशिया बबुल उसमें थॉर्न्स है ना, दे टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर इन एन इकोसिस्टम, राइट. सो विच वन इज वन वे पैसेज? शायद हमने कर भी लिया था फ्री एनर्जी, ठीक है. देन अपर पार्ट ऑफ द सी और एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑलवेज कंटेन्स प्लैंक्टन्स, क्योंकि प्लैंक्टन्स वाटर करंट से मूव होता है. Energy transfer from one trophic level to other in a food chain is 10%. Which is the reason for highest biomass in ecosystem, right? So it will be for the benthoic, मतलब जो benthic zone पे होता है, and brown algae, kelps, बहुत बड़े बड़े brown algae में kelps, giant algae कहा जाता है. ठीक है, एक एक की height ही 1 meter से शुरू ही होता है, 50 to 100 meter भी जा सकता है. Which of the following pair, right, is mismatched? तो solar energy से greenhouse effect नहीं होता है, ये तो हम directly देख सकते हैं. Solar carbon dioxide से greenhouse effect आती है, right? So next, about 70% of total global carbon कहाँ पे? Ocean. वही 2/3 part of the earth is covered by water, right? So next, the breakdown of detritus into smaller parts by earthworm is a process of fragmentation. Of the total incident solar radiation, proportion of PAR is, that will be less than 50%. Okay? Which of the following is not a function of ecosystem? That is stratification. बाकी तो एनर्जी फ्लो ये सब होती है, स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर में आ जाता है. वी हैव रेड इट इन स्ट्रक्चर. द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन पॉन्ड. पॉन्ड में हमेशा कैसे होता है? इन नंबर इज एब्सेंट, राइट. तो पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम देखें अपराइट में, राइट, ये हमारे लिए फॉरेस्ट का हो सकता है, अपराइट नहीं होगा नंबर के अकॉर्डिंग, राइट. Then natural reservoir of phosphorus is again rocks, ठीक है, और secondary succession takes place in degraded forest, क्योंकि वहां पे already पहले से कुछ nutrients present होती है. Russell Carson famous book, this ये 2016 का NEET का question है, it's very very important.
साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो कैसे इट्स पेस्टिसाइड पोल्यूशन के साथ रिलेटेड था. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायनियर ऑर्गेनिजम्स इन बेयर रॉक्स. पायनियर कौन होगा यहाँ पे, लाइकेंस. देन द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय ईपी ओडम, राइट. तो ओडम का ही एक सेकेंड, नो, ईपी ओडम हैज गिवन द डेफिनेशन, ठीक है, ट्रांसले हैज गिवन द टर्म, बट इट वॉज डिफाइंड, और जो डेफिनेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इट इज बाई ओडम, सो इट इज ट्रांसले. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो हम पढ़ नहीं पा रहे, पिक अप द करेक्ट फूड चेन, तो हमें यहाँ से एक करेक्ट फूड चेन निकालना है. फाइटोप्लैंक्टन्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जू प्लैंक्टन्स, एंड जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फिश डिपेंडेंट है. पिरामिड ऑफ नंबर डील्स विद नंबर ऑफ, किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, इंडिविजुअल्स इन अ ट्रॉफिक लेवल, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल. पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, नंबर के अगर देखेंगे तो इट इज अपराइट बायोमास में इट गेट्स इन्वर्टेड. देन द पिरामिड विच कैनॉट बी इन्वर्टेड इन स्टेबल इकोसिस्टम इज दैट ऑफ एनर्जी. एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में उसको ट्रांसफर, मतलब इन्वर्टेड नहीं कर सकते. इन बायोटिक कम्युनिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल इज ग्रीन फूड. प्लांट्स नहीं होगा ना हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ना हमें प्रोड्यूसर से कुछ भी मिलेगा. इन बायोटिक कम्युनिटी द पिरामिड ऑफ कंज्यूमर्स जो आ जाता है, दे आर बेसिकली हार्वी बोर्ड्स. प्राइमरी कंज्यूमर तो हार्वी बोर्ड्स ही आता है ना, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी. विच द फॉलोइंग पेयर्स इज अ सेडिमेंटरी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल. तो इस केस में देखो, हमने फॉस्फोरस और सल्फर, ये सल्फर दोनों हो सकता है, मिक्स टाइप होती है, गैशियस भी हो सकता है, एंड इट कैन बी सेडिमेंटरी टू. नेक्स्ट, niche of a species in an ecosystem refers to its function as at its place of occurrence. Niche to hamesha hum place ki baat karte hai, hai na. The nature of climax community ultimately depends on the climate. Climate ke accordingly jo trees ki growth hogi. Which of the following ecosystem has highest rate of gross primary production? To kisme, ye to humne kiya bhi tha. It will be in case of equatorial rainforest, yani tropical rainforest, as there is no seasonal variation. The rate at which light energy is converted to chemical energy of organic molecules in the ecosystem will be gross primary productivity. Ye B hoga, gross primary productivity. Chalo, isko thoda sa theek kar dete hai. It might create difficulty for you. Theek hai? What is true of ecosystem? Now, producers are more than primary consumers. Obviously, जो lower trophic level होती है हमेशा ज्यादा होती है as compared to higher trophic level. The maximum biomagnification, which are the following in case in the aquatic system. तो biomagnification मतलब हम अगर कोई pollutant add करते हैं, जितना trophic level high पे जाएगी, the concentration of the pollutants will increase. This is called biomagnification. ठीक है ना, सो द आंसर विल बी फिशेस, क्योंकि इनमें से फिश जो है हमारे लिए सबसे प्राणी में मतलब लार्जर और कॉम्प्लेक्स में आ जाता है. निमाटोफोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोइंग ऑफ, निमाटोफोर्स का मतलब जो राइजोफोरा जैसे होता है ना, बिकॉज दे हैव देयर रूट्स टुवर्ड्स फोटोट्रॉफिक रूट्स, लेकिन दे दीज ओपनिंग आर फॉर रेस्पिरेशन. वो रूट्स ऊपर की तरफ होती है, नॉट टुवर्ड्स द ग्राउंड, एज दे हैव टू डू रेस्पिरेशन. सॉल्ट में वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते. तो इट इज इन द मार्शी एरियाज, कोस्टल एरियाज में, जैसे राइजोफोरा हो गया, सोनारेशिया हो गया. ठीक है, द ग्रेटेस्ट बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉप्स ओशन इज दैट ऑफ फ्री फ्लोटिंग माइक्रो एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड नैनो प्लैंकटन. विच द फॉलोइंग पिरामिड रिप्रेजेंट द पिरामिड ऑफ, इट्स इन, ओके एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक पेज मिसिंग हो गया यहाँ पे.
पिरामिड ऑफ नंबर बोल रहा है। अच्छा मेरी डायग्राम जो है, इस डायग्राम से आपको पिरामिड ऑफ नंबर निकालना है। सो इन केस ऑफ, देखो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी सी, ठीक है, ये जो बी वाला है ना नंबर, इसमें आपका आ जाएगा प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। सो माय आंसर विल बी सी, बी वाला ऑप्शन, राइट। प्लांट डिकम्पोजर्स आर मोनेरा एंड फंजाई। मोनेरा क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया इसी में आ जाता है। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, दैट विल बी पोलर आइस, ठीक है। आइस अगर मेल्ट होगी तो फ्लड्स आ जाएंगे, मतलब 20। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन, राइट, ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ, ज्यादा अगर हम इरिगेशन करते हैं तो सैलिनिटी आ जाएगी, बिल्कुल क्रूड लेवल की वाटर सारे निकल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो इसके लिए फ्रेश वाटर हम नहीं कर सकते हैं। Which of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? This is tropical rainforest. Uski productivity level bahut jyada hai, as there is no seasonal variation. Theek hai? The slow rate of decomposition of fallen logs in nature is due to poor nitrogen content. Next, jo mera question hai, that is consider the following statement, right? Consider food chains. Now isme se hame food chains mein se dekho nikalna hai kya, correct kaun sa hai. Removal of 80% of tigers from the area resulted in increased growth of vegetation. Tiger ka vegetation ke sath koi role hai hi nahi. Removal of most of the carnivores resulted in increased population of deers. Obviously carnivores ko deers khata hai. And the length of food chain is generally limited to 3 to 4 levels. Yes, it's correct. And the length of food chain, nahi, 8 tak to jai nahi sakta. So my answer will be B and C. The biomass available for consumption by the herbivores decomposer is called net primary productivity. Humne pehle bhi kiya. The mass of living matter at trophic level in an area at any time is called standing crop. Which of the following statements for pyramid of energy is incorrect, whereas the remaining threes are correct. Pyramid of energy can never be inverted. Kisi bhi condition pe wo inverted nahi ho sakta. Which of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? So the answer will be sparrow ho sakta hai alag alag level pe. Which of the following statement is correct for secondary succession? To hum secondary, it occurs in, it follows primary succession, right? Aur phir yahan pe jo hamara ho sakta hai. ओके, तो मैं इसको प्राइमरी सक्सेशन, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट इज, इट हैज लिटरली फर्स्ट पेस, इट इज ऑन बेयर रॉक, जो मैं एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, बेयर रॉक, तो इनमें से करेक्ट क्या इसमें होगा, इट ऑकर्स ओनली इन प्राइमरी सक्सेशन, है ना, तो बिल्कुल ये मतलब बेड रॉक डिट्राइटिवोर्स या फिर थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर मॉइस्चर एरिया में हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैशियस बायोलॉजिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम, तो गैशियस कौन सा नहीं होगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज सेडिमेंटरी। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन, प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खा सकता है ये, और उसको फिर ईगल खाएगा, यानी फ्रॉग कैन बी ईटन बाय स्नेक, और स्नेक है ना, तो यहाँ पे हमारा कोबरा आ गया। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड इज कॉल्ड, तो रैबिट चला गया, यानी ये आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आ गया, राइट। सो नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट्स लाइक, it will be second stage बोल रहा है तो वेलिसनरी आ जाएगा। Which of the following जो है हमारा
एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब, है ना? तो इट्स इट्स इट विल बी फ्रेगमेंटेशन विच इज कैरीड आउट बाय आर्थवम. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय अ कंज्यूमर. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी चला गया तो कंज्यूमर आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम. तो मेज फील्ड में क्या आ सकता है? ग्रास ऑपर आ सकता है ना, किसी भी फील्ड में. When man eats fish which feeds on zooplankton which have taken it in small plants, the producers in the chain is. अच्छा, आप यहाँ पे producers कौन आएगा? That will be small plants. In if 20 joules of energy is trapped by producer level, then how many how much energy will be available to the peacock as food in the food chain? इसमें आपको 10% law follow करना है. तो 220 से जब जाएगा पिकॉक लेवल तक, यानी T4 लेवल पे जा गया, चला गया, तो इट विल बी 0.02 जूल्स. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज आ जाएगा. द मास ऑफ लिविंग मेटेरियल इन अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट. In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as gross primary productivity. Increase in the concentration of toxicant at successive trophic level is known as biomagnification, right? An association of individuals of different species living in same habitat and having functional interaction is called biotic community. Most animals that live in deep oceanic water are, बहुत depth में जो present होती है, they are the tertiary consumers. ठीक है? Okay. So I hope I have finished with all the questions. जितने भी important questions, खास तौर पे मैंने इसलिए 30 years NEET का question से उठा लिया इस बार, क्योंकि ecosystem is a type या फिर जो हम ecology जो part है, it's very very important, right? So we have already done with the questions and इतना questions कर लोगे ना, जो भी NEET में questions आएगा from ecosystem, तो वो certainly इन्हीं में से आएगा. You practice only these questions, okay? So thank you all.